मैं शिखा खन्ना आपके अपने न्यूट्रिशिखा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमने पिछली दो वीडियोस में देखा डिटॉक्सिफिकेशन कहते किसे हैं और इसके टू वेज तो हम डिस्कस कर चुके और वो टू वेज कौन से हैं, एक तो एक्सरसाइज और दूसरा डाइट। अब हम तीसरे वे की बात करते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिजुवेनाइट करता है, जो है स्लीप। जी हाँ, हमारे शरीर के लिए अच्छी गहरी नींद लेना बहुत ही जरूरी है। जब हम गहरी नींद लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसकी एनर्जी जो है वो वर्कआउट करने के बजाय हमारी बॉडी को रिपेयर करने के काम आती है। इससे जो हमारी इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है बॉडी में बिल्कुल खत्म हो जाती है। पेन्स भी आप देखेंगे कि सुबह उठकर हम अपने आप को पेन फ्री या कम पेन में महसूस करते हैं। और आपकी बॉडी खुद कह रही हो कि नींद आई है तो आप कभी भी हिचकिचाए नहीं और आराम से सो जाए। और अगर आप पार्टियों में गए हुए हैं या कहीं लेट नाइट मैरिज से वापिस आ रहे हैं और पूरा नहीं सो पाए हैं तो नाश्ता करने के बाद 15-20 मिनट के लिए अगर सोने का मन करे तो हिचकिचाइएगा नहीं, सो जाइए। इससे हमारी बॉडी को रेस्ट मिलेगा और बॉडी अपनी खोई हुई ताकत को पूरा करेगी। हाँ, लेकिन एकदम खाने के बाद हमें नहीं सोना चाहिए और रात को भी खाने और सोने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का गैप जरूर रखिएगा। जब हम सोते हैं तो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो थोड़े से स्लो डाउन कर जाते हैं, जिससे कि हमारे फूड को डाइजेशन में लॉन्गर टाइम लगता है और कई बार तो अपच भी हो जाती है। तो इसलिए एकदम खाकर ना तो दोपहर को सोइए और ना ही रात को। जहाँ सोना अच्छा है वहीं ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं होता, ये आलस्य को प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं होता। तो अगर आप इवनिंग में नैप ले रहे हो, मिड नून नैप जो है वो आप लेते हैं तो लगभग 20 मिनट आधे घंटे का ही लीजिए, इससे ज़्यादा का नहीं। और अगर रात को भी नींद लेते हैं तो 7 से लेकर 9 घंटे की नींद जो है हमारी बॉडी के लिए पर्याप्त होती है और इस पीरियड में हमारी बॉडी अपने आप को खुद ब खुद रिपेयर करती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा।